हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम दिखाएंगे कि ईंट बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, ईंट को कैसे बनाया जाता है मिट्टी से, तो आज इसी का ब्लॉग इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग। स्वागत है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम ईंट भट्टी में है, ईंट भट्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मजा लीजिए और हमारे चैनल बनाए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरा लुक दिखाइए आपको गांव में, देखिए ईंट भट्टा है, समझिए उद्योग जैसा है। यहाँ पर 100, 200, 300 आदमी का रोजगार यहाँ पर मिल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पर रोजगार के तलाश में, यहाँ पर काम करने के लिए, और बहुत ही मेहनत के साथ ये लोग काम यहाँ पे करते हैं। तो मज़ा लीजिए और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आए का व्यू दिखाते हैं। और इधर देखिए खेत जुत रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मज़ा आपको देहात में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पर खेत की जुताई हो रहा है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट का यह मियान है, यहाँ पर ईंट फैक्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पर ईंटा को पकाया जाता है,
कोयला से, तो आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप है ये यहाँ पर मछली पालन नहीं बल्कि ये जीरा का पालन किया जाता है, जो छोटा छोटा जीरा होता है जिससे मछली बनता है, तो यहाँ पर उसी का पालन किया जाता है और यहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग यहाँ से खरीद कर जीरा को ले आते हैं मछली पालन करने के लिए। फ्रेंड्स तो इसी तरह का मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।